दोस्तों अगर आप भी रोहित और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारत के साथ शुरुआती दौर में ही ऐसी बेईमानी हो गई जिसके चलते हम हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार कैसे अंपायर ने अफ्रीका का साथ देते हुए भारत को हराने के लिए बेईमानी का फैसला लिया, इस पूरे चौंकाने वाले वाक्य को देखकर रोहित कोहली भी कैसे दंग रह गए, आपको पूरे वाक्य का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के मैदान में खेला जा रहा है। कहने को तो हमारी बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन केएल राहुल का शतक भारत को 245 तक हमें ले गया और शुरुआती दौर में हमें गेंदबाजी में एक विकेट भी मिल गया। लेकिन एक विकेट हम पर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा, एक बेईमानी अंपायर की हमें ले डूबेगी, भला किससे पता था। दोस्तों ऐसा नहीं कि दूसरे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों को विकेट नहीं मिले, लेकिन जिसका विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका विकेट लेने के समय पर तो अंपायर सी अड़ गए और अफ्रीका का ऐसा साथ दे डाला जिसे दोस्तों बेईमानी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। आप सभी को बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन एक ही बल्लेबाज ने लगाए, डीन एल्गर ने। दोस्तों डीन एल्गर ने अपनी टीम के लिए पूरे 135 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि इस खिलाड़ी का विकेट ना हमें पारी के 12वें ओवर में ही मिल जाता, वो तो अंपायर बीच रास्ते में आ गए और कर डाली ऐसी बेईमानी जो पूरी तरीके से भारत को ले डूबी है इस मैच में। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 13वें ओवर का है, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गुड लेंथ डिलीवरीज को देखते हुए तो डीन एल्गर भी चौंक गए थे, हालांकि वो एक चौका जड़ चुके थे। लेकिन फिर मामला पहुंचता है इस ओवर की 5वीं गेंद पर। दोस्तों अब एक बैक ऑफ द लेंथ गेंद को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा डीन एल्गर को और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाती है दोस्तों केएल राहुल के हाथों में। विराट कोहली भी बिना क्षण गंवाए कहते हैं कि आवाज तो आया है, हालांकि सब कंफ्यूज थे कि गेंद पैड पर लगी है या फिर सिर्फ बल्ले पर। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये थी कि गेंद पहले बल्ले पर लगी, हल्का सा पैड का किनारा लेकर गई और फिर गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। परंतु दोस्तों जैसे ही अंपायर ने नॉट आउट दिया ना, तभी भारत ने DRS रिव्यू लिया और वही करना भी चाहिए था, लेकिन फिर तो थर्ड अंपायर ने भी इसे अंपायर्स कॉल करार दे दिया और भारत इस रिव्यू से ना चाहते हुए भी ना हाथ धो बैठा। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, भारत ने रिव्यू तो गवाया ही, साथ ही साथ अंपायर की बेईमानी कितनी भारी पड़ी जरा ये भी सुन लीजिए कि डीन एल्गर उस वक्त पर ना 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों वहां से उठकर ये खिलाड़ी आगे चलकर 135 रन से ज्यादा बना गया और दिन का खेल खत्म होने तक ये स्कोर बढ़कर 140 तक पहुंच चुका था, जिससे कि साउथ अफ्रीका को मिली मदद और वो पहुंचे 256 पर। 200 अंपायर की एक बेईमानी भारत को ले डूबी है इस मुकाबले में और तभी तो उनके फैसले को देखकर दोस्तों मैदान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भौचक्के रह गए थे, उनके भी होश उड़ गए थे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ढेर हुआ अफ्रीका खेमा। जी हाँ दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया, तो वहीं वापसी कर अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरसाया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तहलका मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है खतरनाक गेंदबाज, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पर श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया, लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्ज़ी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम
जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्करम ने की, तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र एक रन दिया। इस दौरान मार्करम ने अपना और अपनी टीम का खाता एक रन के साथ खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर एक चौके की मदद से 5 रन दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 11 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने एडम मार्करम को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान एडम मार्करम 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर हल्का सा बल्ले से किनारा लगाते हुए विकेटकीपर राहुल के हाथों में कैच दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी द जॉर्जी आए, जो एल्गर के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया, जिन्होंने एक चौके की मदद से ओवर में 4 रन दिए और कैच आउट की अपील कर एक रिव्यू भी भारत ने खो दिया। हालांकि पहले सत्र के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया, जिन्होंने मेडन ओवर के साथ शुरुआत की और पहले सत्र की समाप्ति तक 49 रन एक विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो लगातार 2 ओवर में एक भी रन नहीं आया और अब अगले ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 21 रन आए और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। इस बीच 23वें ओवर में डीन एल्गर ने 79 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं पे 28वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार हो गया और 29वें ओवर में 93 रन की साझेदारी को आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया, जहां जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर टोनी द जॉर्जी को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों हल्के से एज के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान टोनी द जॉर्जी 62 रन पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कीगन पीटरसन आए, लेकिन उनको भी 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच कीगन पीटरसन अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ खेलने चले थे और 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड बिडेंगम आए, जो अपना टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने 4 रन के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं पे 35वें ओवर में अपना पहला छक्का भी लगाया, तो वहीं पे 42वें ओवर में डीन एल्गर का 96 रन के स्कोर पर आसान सा कैच स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने छोड़ दिया, तो वहीं पे 43वें ओवर में डीन एल्गर ने चौके के साथ अपना शतक भी पूरा किया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी देखने को मिली। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति तक 49वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 194 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, तो वहीं पे अब अंतिम सत्र में गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने करी, जिन्होंने ओवर के अंदर ही 4 रन दिए और 51वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 200 रन के आंकड़े को पार कर लिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 53वें ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली, तो वहीं दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच 58वें ओवर में डेविड बेडिंगहम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक आसानी से पूरा किया। इस दौरान बेडिंगहम ने 80 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस बीच मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 131 रन की साझेदारी को तोड़ा और बल्लेबाज बेडिंगहम को 87 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने वेरिन आए, जो कि 6 गेंद पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर 62वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन भारत ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और इसी के साथ ही 62 ओवर के समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 249 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के 2 विकेट और गिराकर दूसरे दिन की समाप्ति कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम पहली पारी के अंदर साउथ अफ्रीका को कितने रन पर ऑल आउट कर देगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तो फिर अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। केवल 105 रनों पर हमारे 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया गया।
लेकिन राहुल का तोड़ वह आखिरी दम तक नहीं निकाल पाए और अंत तक नाबाद रहते हुए राहुल ने 105 गेंद पर 70 रन बना डाले। अपने खूबसूरत पारी को उन्होंने 10 चौकों और 2 खौफनाक छक्कों से सजाया था। उनके दम पर ही टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 59 ओवर खेल पाई, जहां हमारे स्कोर बोर्ड को 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बने हुए थे। मोहम्मद सिराज 10 गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद अब दूसरे दिन इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम को एक मजबूत और बड़े टोटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरे दिन के खेल में केएल राहुल अपने शतक को पूरा करने के इरादे से मैदान में उतरे। दूसरे दिन राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर दहाड़ रहा था। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों के एक के बाद एक चौके छक्के जड़ते हुए केएल राहुल ने बहुत तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोहली की गेंद पर छक्का लगाकर टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया।